हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वाक्या स्वाद में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी के कबाब। तो ये पत्ता गोभी कबाब हम किस प्रकार से बना रहे हैं और हमने कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया है वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये हमने एक छोटी पत्ता गोभी ले ली है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए, अब इसके अंदर हम प्याज मिला देते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पत्ता गोभी के अंदर हमने प्याज डाल ली है, प्याज भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने दो हरी मिर्ची बारीक बारीक कूट ली है और इसमें हमने एक छोटा अदरक का टुकड़ा कूट लिया है। साबुत धनिया भी हमने कूट लिया है और इसको मिक्स कर लिया है। और मसाले हम मिक्स कर लेते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। एक चौथाई चम्मच हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है और एक चौथाई चम्मच हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। एक चौथाई चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और चुटकी भर हमने इसमें हल्दी डाली है। नमक हम स्वाद अनुसार डाल लेते हैं। आधा कटोरी हम इसके अंदर बेसन डाल लेते हैं। अब इन सामग्री को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने पत्ता गोभी और सभी मसालों को मिक्स कर लिया है और हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे और हम गैस ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई में तेल रख देते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, हमने गैस ऑन कर लिया और कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम कबाब बना के और डाल देते हैं। ये देखिए, इसी तरह से बाकियों को भी हम इसी तरह बना लेंगे। देखिए, ये देखिए, इसी तरह से हम सभी को डाल देंगे बना बना कर और इनको अच्छी तरह तक लाल होने तक सेक लेंगे। और आगे आपको दिखाते हैं हम पलट कर। ये देखिए, हम इसको पलट पलट कर सेक लेंगे और इसको हम स्लो आंच पे ही सेकेंगे। ये देखिए, कबाब हमारे एकदम लाल सिक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे कबाब बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए, पत्ता गोभी के कबाब। ये हमने पुदीने की चटनी और हरी मिर्ची की चटनी के साथ में सर्व की है। ये देखिए, ये देखिए हमारे कबाब कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए हम आपको ये तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे हमारे कबाब बने हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसका आप जायका लीजिए पुदीने की चटनी और हरी मिर्ची चटनी के साथ में। तो दोस्तों, मेरे चैनल वाक्या स्वाद में जिस प्रकार से हमने ये पत्ता गोभी के कबाब बनाए हैं, आप भी इसी प्रकार से बनाइए, खाइए, अपने घर परिवार में सबको बना के खिलाइए और हमें बताइए आपको ये इसका स्वाद कैसा लगा। दोस्तों, हमारे चैनल वाक्या स्वाद को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब तक हम नया वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।